स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी से अब तक क्या क्या हुआ इस पे बात करेंगे। रिमांड में क्या केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है या फिर पुलिस रिमांड में भेजा जाएगा या फिर ईडी अपने रिमांड पर रखेगी, क्या होगा और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है इस पर बात करेंगे और क्या क्या आरोप है अरविंद केजरीवाल का ये भी जानेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों रिमांड में क्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल, 10 से 14 दिन के रिमांड में भेज सकते हैं अरविंद केजरीवाल को। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की आज 2 बजे पेशी हुई और उसके बाद केजरीवाल के रिमांड पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रखा है। वकील की दलील भी पूरी हो गई है। गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग का रुख भी किया है। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर क्या क्या आरोप हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी के 5 आरोप हैं। आम आदमी पार्टी के पास 338 करोड़ रुपए के शराब माफियाओं के जरिए पहुंचे। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल कोर्ट के सामने रखी थी। इसमें से यह साबित हो रहा था कि शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल हैं इसलिए उन्हें उनसे भी पूछताछ करना जरूरी है। दूसरा आरोप है कि समीर महेंदू का केजरीवाल के खिलाफ दिया गया बयान। अबकारी घोटाले के एक आरोपी जो है समीर महेंदू ने पूछताछ के दौरान ईडी को बताया कि विजय नायर ने उनकी मुलाकात फेस टाइप ऐप के जरिए अरविंद केजरीवाल से कराई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय नायर उसका आदमी है और उसे नायर पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरा, शराब नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई थी। चौथा, मार्जिन प्रॉफिट को लेकर 6% से 12% करने पर भी केजरीवाल की मंजूरी जरूरी थी और केजरीवाल ने उसे हरी झंडी दी थी। सिसोदिया के सेक्रेटरी से अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि आबकारी नीति में 6% का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से 12% किया गया, यानी आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भूमिका थी। पांचवा आरोप, नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ही उसे बुला सकता है। तो दोस्तों ये सारे आरोप हैं अरविंद केजरीवाल पर और ईडी का कहना है कि बिना अरविंद केजरीवाल के सह से इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इस मामले में पहले से मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं, संजय सिंह भी इसी मामले में गिरफ्तार हैं, सत्येंद्र जैन दोस्तों आम आदमी पार्टी के पहले नेता हैं जो कि वो पहले से ही एक तरीके से मेडिकल लीव पे हैं जेल से और उनको पर भी तलवार लटकी हुई है। अभी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती नज़र आई क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना वजूद रखती है। 2 राज्यों में उनका सरकार है, गुजरात में भी वो अच्छा खासा पकड़ रखता है, हरियाणा से लेकर के पूरे देश में उनकी पकड़ है और इसके बाद इंडिया गठबंधन को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं इस वक्त और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह वो बाहर नहीं आ पाते तो लोकसभा चुनाव में काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा बीजेपी को और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है कि दिल्ली की सरकार भी अस्थिर हो जाए। हालांकि अरविंद केजरीवाल के टीम के तरफ से बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो वो जेल से ही सरकार को चलाएंगे। तो दोस्तों ये तो केजरीवाल की तरफ से अपडेट है। अगर दोस्तों ऐसा कुछ होता है तो क्या करेगी केजरीवाल, तो ये तो मैंने बता दिया। केजरीवाल के जो शराब घोटाले के सरगना हैं ईडी ने केजरीवाल पर शराब घोटाले का सरगना होने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली के राव यूनियन कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया। ईडी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार के लिए ही बनाई गई थी। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। ईडी ने विजय नायर को इस मामले में मिडिल मैन बताया। केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि नायर इस मामले में बिचौलिए की भूमिका में थी। ईडी ने अदालत से कहा कि इस मामले में केजरीवाल की तरफ से घूस मांगने के सबूत हैं। ईडी की तरफ से दलील पेश किए गए, 10 दिन के रिमांड की मांग भी की गई है। ईडी ने कहा कि कविता ने केजरीवाल को 300 करोड़ रुपए दिए। तो कविता दोस्तों साउथ की बड़ी नेता है, इन्हें भी गिरफ्तार ईडी ने कर लिया है। तो दोस्तों अभी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राहें काफ़ी मुश्किल है, साथ ही इंडिया गठबंधन भी अब थोड़ी असमंजस में है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी हो हम अपडेट आपको लेके आते रहेंगे इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलता है दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।